यहाँ विशंबरनाथ धर्मशाला में खुदाई चल रही थी, बेसमेंट में काम चल रहा था और ये सिटी रेलवे स्टेशन के पास थाना कोतवाली क्षेत्र में है। इसमें आज सुबह सुबह 6 मकान और एक छोटा सा मंदिर, वो उसके आधे आधे पोर्शन ढह गए। एक मकान में परिवार रह रहा था, उसके 3 सदस्य मलबे में दब गए, जिनको पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सकुशल निकाला है। इसमें एक विवेक कुमार हैं और उनकी 2 बच्चियां हैं, एक की उम्र 6 वर्ष और दूसरे की उम्र 4 वर्ष है। उनको सकुशल निकाल लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी धर्मशाला ट्रस्ट के जो ओनर हैं और जो इसके कार्य करने वाले संस्था हैं, उन सब की जांच की जाएगी कि कैसे हुआ, कैसे इसमें सिक्योरिटी मेजर्स नहीं अपनाए गए थे, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा नहीं है कि स्थानीय स्तर पर किसी अधिकारी को नहीं पता चला इतना बड़ा खुदाई हो रही है, ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी धोई जाती है, रात भर ट्रैक्टर चलते हैं, ये नहीं कहते कहते कि सिक्योरिटी कैसे किया, लखनऊ में हादसा होती है। सभी पहलुओं पर जाँच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र की ये सूचना मिली लगभग 8:30 बजे कि एक घर में कोई बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, जिसके कारण आसपास के 3-4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनमें 3 लोगों को CFO और हमारी सिविल पुलिस की टीम ने जाके वहाँ से रेस्क्यू कर लिया है और जो छोटी बच्ची थी उसको भी रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। इस समय उन बिल्डिंग्स में, जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग्स हैं, उसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है और कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। बाकी उनको सेफ किया जा रहा है और सारे जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ़ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ़ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस समय मौके पे कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। पूरी सर्च टीम जो हमारी प्रॉपरली सर्च कर रही है, फायर सर्विस की टीम प्रॉपरली सर्च कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, एक पूरी घटना हुई है, हादसा हुआ है, लगभग 6 मकान गिर गए। सिटी रेलवे स्टेशन के पास टीला माई थान मोहल्ले में एक बेसमेंट खोदा जा रहा था। बेसमेंट के दूसरी तरफ जो मकान थे उसके पिछले हिस्से, 6 मकानों के पिछले हिस्से अचानक गिर गए। एक मकान में जो फैमिली रह रही थी उसमें से एक व्यक्ति और उसकी 2 बच्चियां मलबे में दब गए। विवेक और उसकी बड़ी बेटी जो 6 साल की है, वैदेही, उसे तत्काल निकाल के हॉस्पिटलाइज कराया गया और जो छोटी बेटी है 4 वर्ष की है, उसे उसकी बॉडी अभी निकाली गई है, उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। सर, ये जिस तरीके से खुदाई हो रही थी और इसलिए ऐसा गिरा, कोई इंतजाम नहीं थे तो क्या लगता है कि ये अवैध? नहीं, अब इसमें इसकी जांच होगी कि ये जो बेसमेंट खोदा जा रहा है, इन्होंने प्रॉपर परमिशन ली थी कि नहीं ली थी। और निश्चित रूप से जो यहाँ देखने में लग रहा है कि इन्होंने सुरक्षा के जो प्रॉपर इंतजाम है वो नहीं किए थे। इसमें जांच होगी और बहुत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने बेसमेंट की खुदाई गलत तरीके से कराई है। निश्चित रूप से इसमें जाँच करके जिस जो जिम्मेदार होगा।